योगी के भेष में अपराधी है जिसने राम के नाम को बेचने का काम किया है। तो ये हिंदू धर्म के फर्जी ठेकेदार भगवा वस्त्र को बदनाम करने वाले योगी नहीं, ये ढोंगी है, और ऐसे ढोंगी को उत्तर प्रदेश में नहीं हिंदुस्तान में भी रहने का हक नहीं। एक ये दाढ़ी बढ़ाने वाला सेंटा क्लॉज जो पूरे देश में घूम रहा है ना, ये लोगों से छीनने का काम करता है। तो पता नहीं कि क्रिसमस के दिन पे आपसे क्या छीने, कि आप राम के नाम को बदनाम ना करें, नहीं तो जनता जूते और चप्पलों का इंतजार कर रही है कि कब बीजेपी के नेता वोट मांगने और कब उनका स्वागत किया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी के हम किसी नेता के गाल पे तमाचा मार देते हैं और उसके बाद उससे दोनों हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं तो क्या हमें माफी मिल जाएगी? ये चुनावी ढकोसले हैं। बाकी मैं एक बात आपको बता दूं, इसका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर नहीं है। बैल चाहे कितना भी जिद्दी क्यों ना हो, किसान जो है वो उससे अपने खेत में खेत जरूर जुतवा ही लेता है। इसका उदाहरण जो है मैं नरेंद्र मोदी जी को लेकर नहीं कह रहा, हाँ मैं लेकिन आपको एक बात बता रहा हूँ, बैल कितना भी जिद्दी क्यों ना हो, किसान के आगे अंत में उसको खेत जोतना पड़ता ही है। CAA के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली को जलाया गया, आखिर उसका निर्णय और निष्कर्ष क्या निकला? क्या CAA और NRC कहीं लागू हुआ? नहीं, लेकिन उसके नाम पर देश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी और भारत जलाओ पार्टी की सरकार ने दिल्ली की कुर्सी पे सत्ता स्थापित करने की कोशिश करी। किया गया, आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सोयाबीन वापस ले लिया उसके बाद इसकी जरूरत थी पंचायत करने की? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर थी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी की बात का भरोसा करना भी इस देश की जनता जो है वो उचित नहीं समझती है। उसके पीछे रीजन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था इस बात को लेकर कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, इस देश को 100 स्मार्ट सिटी देंगे, इस देश को एक डेवलपमेंट सिटी बनाएंगे। लेकिन ना आपको आज तक 2 करोड़ रोजगार नजर आया, ना आपको वो 100 स्मार्ट सिटी नजर आई, और ना ही आपको इस देश के अंदर वो 15-15 लाख रुपए नजर आए। तो आप प्रधानमंत्री मोदी जी की बात पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? तो एक्सप्रेसवे वगैरह तो दे ही रहे हैं ना, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया, एयरपोर्ट दे रहे हैं कुशीनगर में, तो इसको आप विकास नहीं मानेंगे? ये एक बात आप मुझे बताइए, सिर्फ एक आप ये समझिए, चुनावी ढकोसले हैं, ये चुनावी ढकोसले हैं। बाकी मैं एक बात आपको बता दूं, इसका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर नहीं है, मैं सिर्फ एक कथनी को पढ़ने जा रहा हूं, और वो कथनी ये है कि भैया कि बैल चाहे कितना भी जिद्दी क्यों ना हो, किसान जो है वो उससे अपने खेत में खेत जरूर जुतवा ही लेता है। इसका उदाहरण जो है मैं नरेंद्र मोदी जी को लेकर नहीं कह रहा, हाँ मैं लेकिन आपको एक बात बता रहा हूँ, बैल कितना भी जिद्दी क्यों ना हो, किसान के आगे अंत में उसको खेत जोतना पड़ता ही है। प्रधानमंत्री एक मिनट, आपने कहा प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल, अरे प्रधानमंत्री जी के बड़े दिल के चलते 650 से ज़्यादा किसान भाइयों ने अपनी जान दे दी, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर एक आदमी इस देश के अंदर किसी का मर्डर करता है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर या फिर जिन लोगों ने बिल को लागू किया उनके ऊपर 650 से ज़्यादा किसानों की मृत्यु दंड का, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए। उसके बाद आपने उनके ऊपर लखीमपुर खीरी में गाड़ी चलवाई और आप उसके बाद हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के हम किसी नेता के गाल पे तमाचा मार देते हैं और उसके बाद उससे दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेते हैं तो क्या हमें माफ़ी मिल जाएगी? एक बात आप मुझे बताइए ना, आप पहले इतने, अगर आपको ये बिल वापस लेना ही था तो आप पहले दिन इसे ले सकते थे, इतने लंबे दिन, इतने लॉन्ग टाइम ये प्रोसेस क्यों चला, इतने दिन इतनी सारी जान क्यों गई? दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी तो लखनऊ में आपने महापंचायत की, तो महापंचायत की आप सरकार को अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तो फिर सरकार भी तो कह रही है ना कि जो कुछ लोग थे, कुछ किसान का छोटा सा समुदाय, अभी भी तो आपको छोटा समुदाय मान रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यूपी चुनाव में बताएं। अरे भैया आपने सुनिए, वो 10 लाख ट्रैक्टर ना तो अभी दिल्ली से बाहर गए हैं, या तो दिल्ली में है या यूपी में ही है, उनको आने में कोई समय नहीं लगेगा। दूसरी बात यह कि जिनको आप बता रहे हैं ना छोटे से किसान, उसी छोटे किसान के आगे सरकार को झुकना पड़ा है, ये बात आप समझिए। और आप जिस देश के किसान को समझ रहे हैं, मुट्ठी भर किसान, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान का किसान है, और ये बात देश के प्रधानमंत्री जी पूरे कान को खोल कर सुन लें, देश के कृषि मंत्री जी कान खोल कर सुन लें इस बात को सीधे तौर पर, अगर कोई भी सरकार इस देश के अंदर किसानों के ऊपर प्रहार करेगी तो इस देश की जनतंत्र, इस देश का प्रजातंत्र चुप रहने वाला नहीं है। इस बात को आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसान की छाती पे पांव धर के और बिजनेसमैनों के पैसे की फंडिंग से वो इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत जाएगी, लेकिन जब उन्हें दिखा कि देश की जनता समझने लगी है, अब इस बात का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगना ही उचित समझा और देश के किसान के आगे माफ़ी मांगकर उन्होंने सोचा कि उनको सिंपैथी का वोट मिल जाएगा, लेकिन ये उनकी एक सबसे बड़ी नासमझी रही है, क्योंकि अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है, जाग चुकी है और इस बात को भरपूर समझ चुकी है कि ये सरकार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
सबको लड़ाना जानती है। और लोगों से निवेदन है, 25 दिसंबर आ रहा है, अपने अपने घर के सामानों को संभाल के और बचा कर रखें, क्योंकि एक आपने सुना होगा सेंटा क्लॉज, सुनिए एक आपने सुना होगा सेंटा क्लॉज जो गिफ्ट बांटने का काम करता है, एक ये दाढ़ी बढ़ाने वाला सेंटा क्लॉज जो पूरे देश में घूम रहा है ना, ये लोगों से छीनने का काम करता है। तो पता नहीं कि क्रिसमस के दिन पे आपसे क्या छीन ले, तो अपने सामानों को विशेष रूप से संभाल के रखें आप। हाँ आप कह रहे हैं इनकी विदाई है और किसानों का जो गुस्सा दिखेगा, लेकिन आप जो सर्वे आया है, जो सी वोटर सर्वे आया वो आपने देखे, कृषि कानून वापसी से पहले का सर्वे कह रहा है कि योगी जितना सरकार बना रहे हैं, पूरी बहुमत सरकार बना रहे हैं, तो सरकार भैया ये सर्वे सुनिए ये सर्वे वही सर्वे था जो बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार बना रहा था, ये सर्वे वही सर्वे था जो बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा रहा था, तो ये वही सर्वे है जो यूपी के अंदर मोदी जी की सरकार बनवा रहा है। तो आप इन सर्वों के आंकड़ों को इस तरीके से देखिए कि जब जब आंकड़े ने कहा है कि मोदी जी सत्ता में आ रहे हैं, इसका मतलब मोदी जी सत्ता से जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बिहार, बिहार के अंदर कहा महागठबंधन की सरकार आ रही है, इस देश की प्रीपेड मीडिया, पोस्टपेड मीडिया, खरीदी हुई मीडिया, दलाल मीडिया ने पूरे चैनलों पे दिखाया महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन एट ए टाइम पर रात के समय पर, रात को आधी रात को फैसला आता है कि बिहार के अंदर महागठबंधन जो है वो हार जाता है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश और कुशासन की सरकार बन जाती है। दूसरी ओर बंगाल के अंदर जो है इन्होंने कहा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है पूर्ण बहुमत से, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती है। तो जहाँ दिखाया जाता जी, इतने बड़ा चेहरा है, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं, योगी आदित्यनाथ खुद महंत है, यूपी बंगाल नहीं, आपको नहीं लगता यहाँ इतना आसान होगा? आपका दिमाग कुछ खराब हो चुका है, आप हर खांसने वाले को केजरीवाल बताएंगे तो भैया पूरे देश के अंदर 1000 केजरीवाल भटक रहे हैं, कहाँ कहाँ से पकड़ के लाएंगे आप, ये बताइए मतलब। अरे सुनिए एक मिनट, एक बात आप मुझे बताइए, आप किसको साधु कहते हैं, किसको साधु कहते हैं आप, क्या परिभाषा जानते हैं आप साधुओं की है? आप तो फिर आप एक बात, शंकराचार्य जी फिर पॉलिटिशियन है अगर योगी जी साधु हैं तो? योगी के भेष में अपराधी है जिसने राम के नाम को बेचने का काम किया है, राम नाम के सौदागर अगर आप हिंदुस्तान की इस भूमि पर राम के नाम को बेचते हुए नजर आएंगे तो हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति शांत नहीं रहेगा। अब तक आपने हिंदुओं को इस बात के लिए हिंदुओं को उकसाया इन्होंने, लेकिन एक बात मैं आप बता दूं कि अब इस देश का हिंदू राम के नाम को राजनीति में बदनाम नहीं होने देगा, इस बात को आप कान खोल के और आंखों से सुन लीजिएगा योगी जी, कि अगर राम के नाम को अब राजनीति में बदनाम और धूमिल किया गया, क्योंकि आपने राम के नाम पे बहुत सारी सरकार बनाई, हर बार आप चुनाव के टाइम पर राम को राजनीति में घसीट लाते हैं, आप एक बात बताइए, आप क्या राम को, आपने राम को बनाया है, हैं भैया राम और कृष्ण, सुनिए एक मिनट आप आज चुप रहिए, राम और कृष्ण जो हैं वो योगी और मोदी से पहले भी थे, तो ये नहीं है कि राम और कृष्ण का अस्तित्व योगी और मोदी के साथ साथ है, राम और कृष्ण ने जो है वो योगी और मोदी को बनाया है, मोदी और योगी ने राम और कृष्ण को नहीं बनाया है, और ये राम का मंदिर बनवाएंगे, अरे राम ने इस धरती पे पैदा करके भेजा, ये राम का मंदिर बनाएंगे, अरे राम ने कि घर में कलेश ना हो उसने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करा, इन्होंने क्या काम करा, देश में दंगे कराए, मॉब लिंचिंग के नाम पे मुसलमानों को मरवाया अपने ही देश के नागरिकों को, ये अगर हिंदू धर्म इन्होंने पढ़ा होता, अगर इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी होती तो श्रीमद् भगवद गीता के अंदर लिखा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जो किसान है उसको राजा से बढ़कर बताया है और कहा है इस बात को कि राजा जो है वो सिर्फ अपने राज्य का पालनहार होता है लेकिन किसान पूरी मानव जाति का पालनहार होता है। तो अगर इन्होंने सच में सुनिए अगर ये सच में हिंदू धर्म के ठेकेदार होते तो ये इस देश के अन्नदाता को लखीमपुर खीरी के अंदर गाड़ी से नहीं कुचलवाते, ये सच में हिंदू धर्म के ठेकेदार होते तो कश्मीरी पंडितों को बसवाते, अगर ये सच में हिंदू धर्म के ठेकेदार होते तो हाथरस में जिस बेटी के साथ में बलात्कार हुआ उसे इंसाफ मिलता, उसको परिवार को नौकरी मिलती जो आज तक नहीं मिली है। तो ये हिंदू धर्म के फर्जी ठेकेदार भगवा वस्त्र को बदनाम करने वाले योगी नहीं, ये ढोंगी है और ऐसे ढोंगी को उत्तर प्रदेश में नहीं हिंदुस्तान में भी रहने का हक नहीं है। आपको यहाँ पे रोकेंगे जी, इस तरीके से बीजेपी के एक जो नेता है उन्होंने कहा है कि भगवान राम को आजादी जो है 2014 में मिली, हाँ क्या कहेंगे? भगवान राम को आज़ादी 2014 में मिली, अरे भगवान राम ने तो सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि आप जैसे अपराधियों, आपका पाप का घड़ा भर चुका है, तो इससे पहले इस पाप के घड़े को जनता अपने जूते के माध्यम से फोड़े तो राम को और उन स्वतंत्रता सेनानियों को बदनाम करने का काम आप बंद कर दो। राम इतनी औकात किसकी हो गई इस देश के अंदर जो राम को गुलाम बनाएगा, बताइए इस देश का मुस्लिम, इस देश का मुस्लिम, इस देश का हिंदू, सुनिए अरे सुनिए हमारे भी, सुनिए हमारे भी दोस्त बहुत सारे मुस्लिम हैं, आप इस देश के अंदर जातिगत जहर घोलने का प्रयास ना करें, हमारे देश
कि मुस्लिम हमें दिवाली पे बधाई देते हैं इस बात की, क्योंकि भगवान श्री राम जो है वो अपने घर वापस लौटे थे। और एक बात आप मुझे बताइए कि आप कहते हैं कि राम कैद थे, जब नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग जब एक मुस्लिम के साथ बैठते हैं, वसीम रिजवी को कहते हैं कि मैं इसको खुद इनको अग्नि दूंगा, तब वो मुस्लिम नहीं कहलाते। जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुस्लिम होते हैं, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, पूजा नकवी, तब वो मुस्लिम नहीं होते। तो आप देश के लोगों के अंदर ये जातिगत जहर घोलना बंद कर दें। आपसे हाथ जोड़ निवेदन और अनुरोध है कि आप राम के नाम को बदनाम ना करें, नहीं तो जनता जूते और चप्पलों का इंतजार कर रही है कि कब बीजेपी के नेता वोट मांगने और कब उनका स्वागत किया जाए।